हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ये वीडियो है रेलवे ग्रुप डी सिलेबस एग्जाम पैटर्न और डी मतलब ओल थिंग सारी डिटेल इस वीडियो से मिल जाएंगे आपको जो भी प्रोसेस होना है सिलेक्शन तक का प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी क्या क्या चीजें होंगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ये वैकेंसी है दो की रेलवे की एग्जाम डेट इन्होंने टेंटेटिव दिया था 15 दिसंबर 2020 जैसे कि कोरोना वायरस की, की वजह से सभी एग्जाम नहीं हो पाए थे लास्ट ईयर तो अभी 2021 में होंगे वही एग्जाम ग्रुप डी है पोस्ट का नाम और नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर एक लाख सैतीस सौ उनहत्तर ठीक है लाख में है यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा स्टेज वन में आपका सीबीटी होगा और स्टेज टू जो होगा वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अब एग्जाम पैटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो सबको पता है ठीक है और सबको नहीं पता है तो कॉमन सी बात है साइंस तो पूछी जाती है रेलवे के एग्जाम में मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंसी मतलब रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस उसमें करंट अफेयर का रेशो रहेगा तो ये सिलेबस के जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आप सिलेबस को रीड कीजिएगा क्योंकि सिलेबस पढ़ना ठीक है लेकिन सिलेबस को कैसे पढ़ना है वो चीज़ ज्यादा मैटर करती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पी टेस्ट के लिए मेल का अलग क्रिटेरिया रखा है फीमेल का अलग रखा है मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी जो आपका सी होगा हंड्रेड मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी वन एंड हाफ आवर लगभग नाइनटी मिनट ओके okay. हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये जो पोस्ट है वो दी हुई है नंबर ऑफ पोस्ट ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी सिलेबस फॉर स्टेज वन सीबीटी के लिए मैथमेटिक्स पर मार्क्स का आएगा उसमें आएंगे क्या क्या नंबर सिस्टम बॉड मासपोर्शन परसेंटेज मैं टाइम वर्क टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस आएगा जोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है ट्रिग्नोमेट्री आएगी एलिमेंट्री आएगा स्टेटिस्टिक रूट एज कैलकुलेशन कैलेंडर क्लॉक पाइप ये आएंगे रीजनिंग में और जनरल इंटेलिजेंस जो बोला गया है यहाँ पे उनमें क्या आएगा देखो एनालोगी आएगी रीजनिंग में अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आएंगी कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे और रिलेशनशिप लॉग आएगा जम्बलिंग वेन डायग्राम डाटा इंटरप्रिटेशन सुफिशंसी कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग डिफरेंसेस एनालिटिकल रीजनिंग क्लासिफिकेशन डायरेक्शन स्टेटमेंट ऑर्गूमेंट एंड और अज्शन ठीक है ये सब आएगा जनरल साइंस में आपके यहाँ से 25 मार्क्स की साइंस पूछी जाएगी सिलेबस अंडर दिस शेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस ऑफ टेंथ स्टैंडर्ड लेवल सी बी एस ई सी बी एस ई के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बुक है, दी है भाई टेंथ लेवल पर टेंथ स्टैंडर्ड पर फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस लाइफ साइंस पूछी जाती है हर एग्जाम में जितने भी सी और डी ग्रुप के जो एग्जाम होते हैं कैटेगरी के, के उनमें हमेशा लाइफ साइंस पूछी जाती है साइंस के अंडर से ठीक है तो लाइफ साइंस को अच्छे से पढ़ के जाएगा जनरल अफेयर में ट्वेंटी के करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा करिएगा स्पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं कल्चरल पर्सनैलिटीज भाई किसका निधन हुआ कौन कहाँ प्रधानमंत्री बने और कौन कहाँ राष्ट्रपति बने न्यू अपॉइंटमेंट बेसिकली और अपने देश के तो ऑब्वियसली पढ़ के ही जाने हैं इकोनॉमिक

ये सॉरी ये जो क्रिटेरिया रहेगा यहाँ पर पीई का वो रहेगा जैसे ये नीचे दिया हुआ है मेल के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 केजी का वेट उठाना है आपको और आपको 100 मीटर जाना है दो मिनट में वन चांस मिलेगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन वेट को नीचे नहीं रखना है दो किलोमीटर जाना है हंड्रेड सॉरी दो मिनट में हंड्रेड मीटर जाना है और पैंतीस के वेट होना चाहिए शुड बी एबल टू रन भागने में हजार मीटर कैपेबल होने चाहिए चार मिनट और पंद्रह सेकंड में और एक ही चांस मिलेगा फीमेल के लिए ट्वेंटी के जी वेट दिया है डिस्टेंस सेम रखा है टाइमिंग सेम रखी है हंड्रेड मीटर इन टू मिनट्स और यहाँ पर जो भागने का है वो यहाँ पर टाइमिंग चेंज है पांच मिनट चालीस सेकंड है हजार मीटर तक का और बॉयज के लिए क्या है हजार मीटर का चार मिनट पंद्रह सेकेंड यहाँ पर पाँच मिनट चालीस सेकेंड थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट डीवी होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी आपका सीबीटी और पीटी होने के बाद कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड किया जाएगा एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ इजर डीवी फॉलोइंग व्हिच देयर कैंडिडेटचर विल बी कैंसल्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी आइडेंटिकल आइदर इन इंग्लिश और हिंदी आपके जो सिग्नेचर होंगे कैंडिडेट्स के या तो हिंदी में कर सकते हो या तो इंग्लिश में कर सकते हो तो पता होता है हमारा डी का प्रोसेस क्या होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाते हैं ये होल डिटेल था आपका सिलेबस का आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉरी क्वेश्चन नहीं टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस को रेफर किया हुआ है तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा सो दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग अबाउट द आरआरसी ग्रुप डी सिलेबस पैटर्न एग्जाम पैटर्न और यहाँ पर डीवी वगैरह ठीक है आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा